वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर जॉइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो ये हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की एनसीईआरटीज की, 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में 15 चैप्टर्स हैं या 15 थीम्स हैं। दो थीम हमने कंप्लीट कर ली है, तीसरी थीम हम करने जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। ये सेशन जो भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, बेट सिविल सर्विसेज, आईएएस का एग्जाम हो, बेशक वो आपका सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आरती, यशिका, शिवम, आयुष्मान, सबका बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरीबॉडी कैन ज्वाइन और इस सेशन का लाभ उठाना शुरू करें। और शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग में हमने सेशन किया था पार्ट टू, थीम टू, और ये है हमारा थर्ड चैप्टर या थर्ड थीम। अभी तक हमने क्या क्या किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा है, फिर हमने लगभग 600 BCE बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 CE कॉमन एरा तक लगभग 1200 साल में क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रही उसके बारे में आज हमने जाना। सतवाहनास कब रहे, वकाटकास कब आए, गुप्तास कब आए, मौर्यास कब आए, लेटर मौर्यास, ये सारी की सारी चीजें हम देखी। आखिरी में हमने थोड़ा सा सोसाइटी को टच किया था, बट ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये सोसाइटी के बारे में काफी डिटेल में बताता है, ठीक है। तो ये उसी दौरान में या उसी कालखंड में लगभग 1200 साल में सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या क्या डिविजन्स थी, जो सोसाइटी पहले आपकी बहुत जो है अभी हरारकी बेस्ड नहीं है, धीरे धीरे कैसे कास्ट सिस्टम जो है रिजिड होता जाता है, ये सारी की सारी चीजें आज हम समझेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी, सोनू, राखी, जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी, एम आई लाउड एंड क्लियर? ओके, सो प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किंगशिप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है, थैंक यू। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने लगभग इसी 1200 साल पीरियड का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा, और अब जो है हम क्या देखने जा रहे हैं, सोसाइटी को देखने जा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर आपको सोसाइटी में चेंजेस मिलते हैं। ये देखिए यहां पर कह रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको नए एरियाज खोजने पड़ेंगे जहां पर खेती हो सकती है। और ये सेम चीज हम लगभग 2000 साल बाद आज भी कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय पर भी की गई, ठीक है, कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सरप्लस होगा और उससे जो है कहीं ना कहीं आप स्टैंडिंग आर्मीज को रख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब ये एग्जैक्टली यहां पर ये चीज आई, देखो पहले क्या है, आपके पास उतना ही है जितना कि आपके जीवन यापन के लिए है, या कह लीजिए जानवर है, वो एक एसच प्रॉपर्टी पजेस नहीं करते, ठीक है, वो जाते हैं जितना उनको खाना चाहिए, खाया और दैट्स इट। अब यहां पर जब सरप्लस आने लगा तो कोशिश होने लगी अपने पास ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की, है ना। यही बात बाद में चलकर हम बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, या लगभग सारे धर्मों में हम ये देखते हैं कि जी ये जो अटैचमेंट की फीलिंग है, जो बुद्धा कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट। सो ये अटैचमेंट जब रिसोर्सेज के साथ होने लगी, उसके बाद आपका सोसाइटी में एक हायरार्की डेवलप होने लगी, ठीक है, एंड दैट क्रिएटेड टू लॉट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर है। ओके, अब यहां पर देखेंगे, हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। अब वो कहते हैं कि सोशल बिहेवियर, सारी की सारी चीजें वही मेंशन कर रहा है कि किस तरीके से टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस लिखी गई अलग अलग कैटेगरी से। देखो एक है जो ब्राह्मण्स के द्वारा संस्कृत में लिटरेचर लिखा गया, और दूसरा जो है आम भाषाओं में, पाली, प्राकृत, साउथ में आपको तमिल भाषा में जो इंस्क्रिप्शंस मिली, जो कह लीजिए लिटरेरी सोर्सेज मिले, उनको कॉरोबरेट किया गया। और कई बार ऐसा देखा गया कि वो कन्फ्लिक्टिंग हैं,
ठीक है, जैसे कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में जो चीजें लिखी गई और जो चीजें आपकी बाकी लैंग्वेजेस में ग्रंथ लिखे गए उनमें आपको एक कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कि आपका महाभारत है, अब महाभारत के बारे में ये लिखा जाता है कि पहले जब महाभारत लिखी गई उसमें 10,000 वर्सेस थे, मतलब कह लीजिए लाइंस थी, अब वो बढ़कर जो है उसमें बहुत बाद में एडिशन होते गई वो बढ़कर 1,00,000 वर्सेस। अच्छा, इसमें और इंपॉर्टेंट है कि महाभारत के आपको बहुत सारे वर्जन मिलते हैं भारत में, संस्कृत में भी है और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है। अब अंग्रेजों के समय पर इन सारे सबको इकट्ठा किया गया, 47 ईयर्स टू कंपाइल ऑल दीज, और जनरली अब जहां पर कंफ्लिक्टिंग था तो क्या किया गया, मेनली संस्कृत वर्जन को लिया गया और जो उससे मिलते जुलते थे बाकी लैंग्वेजेस में उसको इकट्ठा किया गया, ठीक है। और ये जो है टोटल आपका लगभग 1,00,000 वर्सेस, और ये कहा जाता है कि इट इज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1,000 ईयर्स, ठीक है, लगभग 1,000 साल जो है ये लिखा गया है, ठीक है, 1,000 सालों तक ये लिखा गया है। और यहां पर 1990 में लाइक नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. सुक्तांकर, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और 13,000 पेज, 47 साल लगे, 13,000 पेज की ये फाइनली एक बुक बनकर तैयार हुई, ठीक है, जिसको आज हम महाभारत के रूप में देखते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर कह रहा है, हिस्टोरियंस के परस्पेक्टिव से हम देखें तो बहुत सारे रीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर लो, ठीक है, बाकी अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, आई डोंट नो दोपहर में सो रहे हैं सब या क्या कर रहे हैं। अभी ये एग्जांपल दे रहा है कि आप कश्मीर से नेपाल, केरल से तमिलनाडु, बहुत सारी आपको वेरिएशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। इन द सेंस ये वेरिएशंस किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, सोशल हिस्ट्रीज को। देखिए जहां पर वो जो चीज जाएगी तो वहां पर वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं या वहां की जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपको वहां पर देखने मिलेंगी। जी 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 ये शिवम, ठीक है, सो इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1,000 ईयर्स, 500 BC ऑनवर्ड्स, एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन मे हैव बीन सर्कुलेशन इवन अर्लियर, ठीक है, कुछ स्टोरीज उससे भी पहले लिखी। आप पॉइंट को समझो, ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहा है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 साल तक लिखा गया है, ये क्या मतलब हुआ। इसका सिंपली मतलब ये है कि एक बार लिखा गया उसके बाद इसकी बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए आप जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम, कहीं पर जय श्री राम की जगह जय सिया राम, ठीक है, तो ये वर्जन्स बहुत, इवन रामायण के भी आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं। तो ये लोग जितने भी वर्जन्स थे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं, तो इसके अलग अलग वर्जन्स की ये सारी सब की बात कर रहा है। इसी को कंपाइल किया गया जो हमने ब्रिटिश टाइम में देखा, जो सुदांकर जी हैं उन्होंने इस चीज को कंपाइल किया, 47 ईयर्स लगभग इस पूरे के पूरे उसको लगा और 1,300 पेजेस में इसको लिखा गया, ठीक है, क्लियर हुआ शिवम, ओके। इन दिस सेंस दिस वेरिएशन रिफ्लेक्टिव, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये उस समय के समाज को शो कर रहा है, ठीक है, डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेजिलियंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, डायलॉग बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेजिलियंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें आपको क्रीपिंग, मतलब या कह लीजिए उसमें ऐड होते हुए मिलते हैं, ठीक है। सो दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस। अब ऐसा भी देखा गया कि दो, मान लो एक आपका संस्कृत में है, एक दूसरी लैंग्वेज में है, उसमें कंफ्लिक्ट आ रहा है, और कई बार ऐसा है कि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। जी हाँ, एफ कैट के पहले CDS का एडमिट कार्ड आ गया, हाँ, UPSC वाले अपने उस टाइम पीरियड में बिल्कुल वो हैं। अच्छा, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को समझने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा, व्हेन द इश्यूज ऑफ सोशल हिस्ट्री वर 19th एंड 20th सेंचुरी में इसको लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान रखा गया कि इंडिकेटेड आइडियाज कंटेन्ड इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट फॉर, अच्छा
जब बाकी लोगों की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, खासकर जैसे ये एग्जांपल दे रहा है कि पाली में, ठीक है, प्राकृत में और तमिल में, तो वो काउंटर करते हैं कि ये जो संस्कृत में लिखा गया ये अथॉरिटेटिव है, ठीक है, और इसको हम नहीं मानते हैं, जल्दी उसको मतलब उसको रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये इसी चीज को एक बेस बनाया गया कि जो चीजें लिखी गई हैं इट इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू ऑल। इस चीज को समय समय पर रिजिस्ट भी किया गया है, जो बाद में चलकर हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में भी देखते हैं। ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में तो हमें साक्ष्य मिलते ही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बट उस समय पर भी जो हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करते हैं तो ये समय समय पर उसके काउंटर में, इवन जो वर्ड नास्तिक है, नास्तिक का मतलब बहुत अभी कॉमन में हमें सबको लगता है कि जी जो भगवान में विश्वास नहीं करता। इनिशियली नास्तिक शब्द का जो अगर आप मीनिंग देखेंगे वो आता है कि जो वर्ण सिस्टम में, जो वेदों में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा गया। तो टेक्निकली बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करने वाले भी नास्तिक कहलाए, ठीक है, क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर को या अल्टरनेटिव एक थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका किंगशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिएंट प्रैक्टिसेस। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि जी अगर आप देखेंगे शादियां कैसे हो रही हैं, शादियां जनरली कहा जाता है ना कि गोत्र में शादी नहीं होगी, गांव में शादी नहीं होगी, इसके बाहर शादी होगी। गांव में तो शादी हो ही नहीं सकती जी, ये आपका काफी बड़ा एक मुद्दा रहता है। ठीक है, गांव में शादी नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो यहां पर इस चीज को क्या कहा गया, एक्सोगैमी कहा गया। ठीक है, एक है एंडोगैमी, एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब विद इन दैट। अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से जो रूलिंग क्लास है वो उसके लिए ये चीजें मैटर नहीं कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि जो लाइक सतवाहनास में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि जी हम ब्राह्मण्स हैं, बट जो रूलर है वो तो क्षत्रिय होगा। ठीक है, फिर शादी भी एंडोगेमस तरीके से की गई, विद इन द गोत्र की गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो लिखी गई हैं, जो प्रैक्टिसेस लिखी गई उसके कॉन्ट्रेरी में जाती हैं। अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है, वी टेक वन फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सारी फैमिलीज सेम नहीं है। ठीक है, अब उनके नंबर्स को देख लीजिए, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी वेरी करती हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, मतलब जनरली फैमिली का मतलब क्या है, जो एक साथ रह रहे हैं, फूड को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। ओके, सो फैमिलीज यूजली अ पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल कॉल्ड एज रिलेटिव्स, रिश्तेदार, है ना, रिश्ते में जो है। ओके, टू मोर टेक्निकल टर्म किनफॉक। सो व्हेन फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल बेस्ड ऑन ब्लड, और इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ इसको कजन्स कह रहे हैं कि जी ये जो मान लीजिए कजन्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, जो भी चाचा का बेटा, बुआ का बेटा, तो दैट कजन्स, कई सोसाइटीज में इसको कजन्स नहीं माना गया। ठीक है, ये अच्छा, और एक बात, ये डोंट कंफ्यूज इट विद द, अभी ये हम बात कर रहे हैं बहुत 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा तक, तो अभी इस्लाम वाला कंसेप्ट नहीं है। एनीवन शुड नॉट कंफ्यूज विद दैट। फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एलीट फैमिलीज। ठीक है, एलीट फैमिलीज की तो उनको ट्री स्ट्रक्चर मिलता है, बट आम लोगों का नहीं मिलता कि आम लोग कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिडक्शन करी गई है हिस्टोरियंस के द्वारा कि किस तरीके से आम लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर रहा होगा। अब यहां पर जो आइडिया था वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, इस चीज को क्लियर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी पैट्रिलिनियल है। पैट्रिलिनियल का मतलब पितृ सत्तात्मक, कि पिता की सत्ता बेटों में जाएगी, फिर बेटों से उनके बेटों में, तो इस तरीके से डिवाइड होता जाएगा। एट वन लेवल महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस, जो कि सीधा कौरव और पांडव की स्टोरी है। आई होप आपको इसके बारे में पता है, ब्रॉडली पता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हाँ जी, एक कौरव एंड पांडव है, बिलोंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली दैट इज कुरुस, और कजन्स है आपस में। ठीक है, फिर वो स्टोरी बता रहे हैं कि हाँ जी, किस तरीके से जो धृतराष्ट्र है वो नहीं बन पाते हैं। ठीक है, फिर उनके छोटा भाई, छोटे भाई की डेथ हो जाती है, फिर वो आते हैं। अब सत्ता किसको दी जाए, ठीक है, पांडव्स को दी जाए या कौरव्स को दी जाए, फिर फाइनली जो है युद्ध होता है। ठीक है, ओके, द सेंट्रल स्टोरी यहां पर, अब यहां पर मेन हम इस
महाभारत को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको बेसिकली इस स्टोरी से क्या समझना है, स्टोरी से समझना है कि सोसाइटी किस तरीके की थी। तो पैट्रिलिनियर सोसाइटी थी, सन्स क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग्स। ठीक है, जब भी पिता की डेथ होगी तो सत्ता किसके पास जाएगी, बेटों के पास। बट हमेशा ऐसा नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि मान लीजिए बेटे छोटे हैं तो वो भाई के पास गई। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ये कंफ्यूजन हुआ। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ महाभारत। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज 6 सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स क्लेम टू फॉलो द सिस्टम्स। दो इनमें कुछ वेरिएशंस थी। ठीक है, जब जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई सन नहीं है तो ब्रदर्स के पास चली गई, लाइक सक्सीडेड वन अनदर, समटाइम्स अनदर किंग्समैन क्लेम द थ्रोन। ठीक है, ये बीच बीच में आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। अब वो एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि वो महिला होते हुए भी उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पास लैंड, उनके पास कुछ ना कुछ क्या था, रिसोर्सेज रिलेटेड टू लैंड था, जो कि बहुत क्लियरली मनुस्मृति में या धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। द कंसर्न विद द पैटर्नली वॉज नॉट यूनिक टू द रूलिंग फैमिलीज। अब यहां पर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि लाइक एविडेंट इन द मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेद। एग्जाम्पल दे रहा है कि लाइक इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मैन एंड दोज हू क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। मोस्टली इस चीज को फॉलो किया जाता था, बट नॉट ऑलवेज। एग्जेम्पशन कह लीजिए, एक्सेप्शन कह लीजिए, वो आप प्रभावती गुप्ता की देख सकते हैं। अब ये प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, अब ये एग्जाम्पल भी दे रहा है कि मंत्र उच्चारण जब शादी हो रही है तब वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम अब अपना घर छोड़ के, मतलब अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर जा रही हो और वहां पे रहो हमेशा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो और वही फिर जो है आपकी पति की सत्ता को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये है कि वाई किनफॉक क्वाल्ड, अब ऐसा क्यों हुआ, आपस में क्यों लड़े, वो कहानी पूरी की पूरी वैसे मैंने आपको बता दी कि अब क्लेम किसका होगा। ठीक है, जो गद्दी पे बैठा है, जो पहले था, अब दुर्योधन का ये कहना है कि जी पिताजी आप सबसे बड़े हैं तो आपके बाद हमारा ही सत्ता पे हक बनता है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, एक्चुअली रूल पांडु ने किया तो उनके बेटों का बनता है। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज लाइक दिस। ठीक है, ओके। रूल्स ऑफ मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट। रूल्स ऑफ मैरिज में ये कहा गया कि 8 तरीके की मैरिजेस होती हैं। पहली 4 मैरिजेस एक्सेप्टेड हैं, अगली 4 मैरिजेस एक्सेप्टेड नहीं है। अब कौन सी मैरिजेस एक्सेप्टेड नहीं है, इन 4 जो एक्सेप्टेड नहीं है, इनमें से सबसे फेमस तो ये है जी लव मैरिज। ठीक है, जो खुद की इच्छा से है। एक और जो है जिसमें कि सेड्यूस किया गया है, ठीक है, गलत तरीके से, तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। जो एक्सेप्टेड है, जिसमें ये कहा गया कि जो पिता है वो कन्यादान करेगा, ठीक है, कन्यादान करेगा, सो दैट इज बीइंग क्लियरली मेंशन्ड। सो दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, डॉटर्स आर व्यूड विद रादर डिफरेंटली। ठीक है, उनका कोई हक नहीं है रिसोर्सेज पर और उनको उनकी शादी कर दी जाएगी। शादी में जो है कह लीजिए उनको जो भी स्त्री धन, ठीक है, स्त्री धन, आज भी स्त्री धन वर्ड यूज होता है। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगेमी, मैरिंग आउटसाइड द लाइव्स ऑफ द यंग गर्ल्स वुमेन, उनको बहुत मतलब कंट्रोल किया जाता था, जो कहीं ना कहीं आज भी है, क्योंकि आपको दूसरे घर जाना है, आप लाइक काइंड ऑफ दूसरे घर की वो है। ठीक है, सो राइट टाइम राइट पर्सन पर कन्यादान करना, ये एक रिलीजियस ड्यूटी है पिता की। विद द इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाउन सोशल लाइफ बिकेम द मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पीपल फ्रॉम फार एंड फार मेट इन अर्बन एरियाज। अच्छा, ये अर्बन एरियाज हमेशा से वो रहे। ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होगा, लोग थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब कंसिडरिंग अगर हम ब्रॉडली समझें तो लोग थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं। तो यहां पर क्या है कि लोग आपस में आके कह रहे हैं कि ये आइडिया जो है ये सही है इस तरीके से, तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी में एक मतलब ब्रॉडली चीजें चल रही हैं, उसका काउंटर भी सोसाइटी से निकल कर आ रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग टाइम से अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से उसका काउंटर भी आ रहा है। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म आया, फिर आपको भक्ति सूफी मूवमेंट मिलता है, ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, तो उसका काउंटर मिल रहा है। ओके, अब इस चैलेंज में, अब जैसे एग्जांपल दे रहा है, अब ये टाइप ऑफ मैरिजेस, जैसे एंडोगैमी विद इन द यूनिट, एक्सोगैमी बाहर, पॉलीगाइनी जिसमें मल्टीपल वाइव्स हैं, गाइनी गायनेकोलॉजी से आप याद रख सकते हैं, गाइनी मतलब मल्टीपल वाइव्स, पॉलीएंड्री जो कि मल्टीपल हस्बैंड्स, सिंगल वुमेन। अब इसका एग्जांपल वो देता है कि जैसे कि आपको महाभारत में मिल रहा है, ठीक है, द्रौपदी, सो द्रौपद की बेटी द्रौपदी और अर्जुन
उनको जीतता है जीतता है। एंड कुंती कह देती है कि हाँ जी आप 500 बांट लीजिए, वो देखती भी नहीं है और वो कॉमनवेल्थ। सो पॉलिएंड्री भी कहीं ना कहीं इसमें शो होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपका धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज्ड एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। यहां पर देख लो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज जो सबसे अच्छी मैरिज मानी गई वो कौन सी है, जहां पर लाइक गिफ्ट ऑफ डॉटर, ठीक है, कन्यादान करना और उसको कॉस्टली क्लोथ्स, उसको गहने, उसको कपड़े, पैसा सब कुछ देना, ठीक है। अ मन टू अ मैन लर्न्ड इन वेदा, ठीक है, जो वेद में निपुण है, वेदों को जानता है, होम द फादर हिमसेल्फ इनवाइट्स। फोर्थ है द गिफ्ट ऑफ अ फादर बाय लाइक डॉटर ऑफ अ डॉटर बाय फादर आफ्टर ही एड्रेस द कपल विद द टेक्स्ट कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा करो, ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज को साथ में निभाओ। फिर उसके बाद पांचवी, जैसे वो कह रहा है कि जिसमें कि वो खुद से चूज कर रहे हैं, जिस विच इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, वॉलेंट्री यूनियन हो गया, हैविंग गिवन एज मच वेल्थ। हाँ, पांचवी वो है जिसमें उल्टा हो रहा है कि वो वेल्थ दे रहा है, ठीक है, लड़की वालों को वेल्थ दे रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। ओके, गोत्र ऑफ वुमेन। अब लड़कियों का गोत्र क्या होगा, लड़कियों का गोत्र शादी से पहले पिताजी का और उसके बाद पति का, ठीक है, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म था, बट इसमें भी एक्सेप्शन मिलता है, जैसे कि सतवाहना रूलर्स के केस में, ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे सतवाहना रूलर्स के केस में कई बार ऐसा देखा गया कि जब जो प्रिंसेस है उसकी जब शादी हो गई तब उन्होंने अपने पति सॉरी पिता का जो गोत्र है वो नहीं छोड़ा, पिता का गोत्र उसके बाद भी उसको लेके चले। 1, 4, 6, 5, 6 गुड प्रैक्टिसेस थी, नहीं जी, पहली चार गुड प्रैक्टिसेस थी, 5, 6, 7, 8 गुड प्रैक्टिसेस नहीं थी, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि आज के समय पर जो ये सिक्स्थ वाली है ये थोड़ा एक्सेप्टेड हो गया है, मतलब टू एन एक्सटेंट एक्सेप्टेड हो गया है। वन वे और टू फाइंड आउट व्हेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसीडर द नेम्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, समटाइम डिराइव फ्रॉम द गोत्र नेम्स। अब यहां पर वो सतवाहनास के एग्जाम्पल दे रहा है, सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा तक, ठीक है। अब यहां पर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो, राजा गौतमी पुत्र, पुत्र मतलब पुत्र बेटा, ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे पुत्र वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। सो गौतमी पुत्र श्री सत्कारणी, ठीक है, तो गौतमी वैशिष्टी, ठीक है, तो माँ का नाम है, ठीक है। सो इसको क्या कहा गया, मेट्रोनेमिक्स, इसको क्या कहा गया, मेट्रोनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। मेट्रोनेमिक्स इन उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो कि डेजिग्नेटेड बाय मेट्रोनेमिक्स, मेट्रोनेमिक्स मतलब माँ का नाम, ठीक है, माँ का नाम जो है वहां पर यूज हो रहा है, सो दैट इज मेट्रोनेमिक्स, मैट्रिलिनियर सोसाइटी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वर पॉलीगाइनस मल्टीपल वाइव्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहां पर आपको सतवाहना रूलर्स इंडिकेटेड मेनी ऑफ देम हैड डिराइव्ड देयर नेम्स फ्रॉम गोत्र सच एज गौतम एंड वशिष्ठ देयर फादर्स गोत्र, और उसी से फर्दर जो है बच्चों का नाम गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि लाइक एस रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, इनफैक्ट इट एग्जाम्प्लीफाइड एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगैमी विद इन द कास्ट विद इन द कम्युनिटी भी ये मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द गंगा पुत्र, जी हाँ, ठीक है, विच वॉज प्रेवलेंट अमंग द सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। अच्छा, अब यहां पर ये बहुत लोगों को नहीं पता, साउथ इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज में जो एंडोगैमी भी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, एंडोगैमी भी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें कि एक क्लोज नेट सोसाइटी रहे, ठीक है, क्लोज नेट सोसाइटी रहे, सो दिस इज ऑल्सो देयर। तो एक्सोगैमी हो गया कि अपने गोत्र में शादी नहीं होगी, बट ये भी पूरे भारत में आपको प्रैक्टिस होता हुआ नहीं मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि वर मदर्स इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि हाँ मदर्स इंपॉर्टेंट है, पर आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सत्ता है वो पिता के नाम से चल रही है, पिता से बेटों में फिर आगे उनके बेटों में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, अब यहां पर चार वर्ण सिस्टम की शुरुआत होती है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ब्राह्मण जो हैं टॉप पर हैं, शूद्र एंड अनटचेबल्स प्लेसिंग
एट द वेरी बॉटम राइट ऑक्यूपेशन क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, ये आपका भी रिसेंटली पूछा भी गया था। एक्चुअली होता क्या है कि हमें जनरली हमारे दिमाग में ये है कि ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, हाँ जी, पढ़ना और पढ़ाना जो है ये आपको ब्राह्मण्स का काम है, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ठीक है, तो ये काम हो गया ब्राह्मण्स का। बट क्षत्रियस का काम इंगेज इन वॉरफेयर, ये हमें पता है, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, वेदास को पढ़ना भी काम है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ना, ठीक है, ताकि पता लग सके कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, ठीक है। गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, मेक गिफ्ट्स, उसके अलावा लास्ट थ्री ऑक्यूपेशन, लास्ट थ्री में क्या क्या आ गया, वेदों को पढ़ना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना और परफॉर्म करवाना, और उसके अलावा गिफ्ट्स देने, ये काम किसका है, वैश्य, ठीक है। सो यहां पर जो कह लीजिए तीसरा वर्ण है उनका है, हु वर इन एडिशन टू एक्सपेक्टेड टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इनका काम जैसे कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ वैश्य, ये आपको पूछा गया है, स्टडी द वेदास, बहुत लोगों को लगता है अरे नहीं नहीं वेद पढ़ना इनका काम नहीं था, वेद पढ़ना पहले तीनों वर्णों का काम है, पढ़ाना ब्राह्मण्स का काम है, और जो शूद्रस हैं उनको, उनके लिए एक ही ऑक्यूपेशन कहा गया कि आपको जो तीन वर्ण है उनको सर्व करना है, ठीक है, तीनों वर्णों को सर्व करना है। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं कि सोसाइटी मतलब बहुत ज्यादा हरारिकल हो रही है, और अगेन यही प्रॉब्लम आज तक भी कहीं ना कहीं सोशल कंफ्लिक्ट हम कह सकते हैं इसको चल रहा है। द ब्राह्मण्स इवॉल्व टू और थ्रू थ्री स्ट्रेटजीज, अब आपको लगता है कि आप किसी एक को कहोगे कि आपको जिंदगी भर किसी दूसरे को सर्व करना है, सर्विट्यूड में स्लेव की तरह ही रहना है, क्या सब लोग मान लेंगे, और किस तरीके से इन्फोर्स किया गया होगा, तो ये कह रहा है कि उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये डिवाइन ओरिजिन का है, ये भगवान की देन है। दूसरा कहा गया कि राजाओं को कहा गया कि आपको इन नॉर्म्स को फॉलो करवाना है अपने अपने राज्यों में, ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि आपके राज्यों में ये जो नॉर्म्स लिखे गए हैं ये फॉलो हों। तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा, लोगों को परसुएड किया कि उनका स्टेटस डिटरमिन होता है उनके जन्म से ही, ठीक है। हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज इजी, और ये आपका जैसे महाभारत है या और टेक्स्ट है, ये इन्हीं बातों को जो धर्म शास्त्रों में धर्म सूत्रों में लिखा गया है उसको री इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, उनको री इन्फोर्स करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डिवाइन ऑर्डर, जैसे वो एग्जांपल दे रहा है पुरुष सूक्त का, ठीक है, पुरुष सूक्त का एग्जांपल दे रहा है जिसमें वो कहा गया कि जी मुख से, ठीक है, ब्राह्मण्स, ठीक है, लाइक आर्म्स, ठीक है, चेस्ट दैट इज क्षत्रिय, थाई इज वैश्यस एंड फीट इज द शूद्रास, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा है प्रॉपर सोशल रोल्स, जैसे एग्जांपल अब इस जिसको कई बार कहा भी जाता है ना, एकलव्य है जो निषाद कम्युनिटी का है, निषाद कम्युनिटी दैट इज फॉरेस्ट ड्वेलिंग, फॉरेस्ट ड्वेलर, वो जाता है कि मेरे को शिष्य अपना जो है मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए, ठीक है, मना कर दिया जाता है द्रोणाचार्य के द्वारा। अब द्रोणाचार्य के द्वारा जब मना किया जाता है तो वो आता है, उनकी मूर्ति बनाता है और प्रैक्टिस करना शुरू करता है। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा है कि तुम मेरे मतलब तुम सबसे बड़े कह लीजिए मेरे शिष्य रहोगे, ठीक है, तुम्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा। और जब पांडव जो हैं जंगल में जाते हैं अपने डॉग के साथ, तो वो देखते हैं कि एक डॉग जो है वो निषाद कम्युनिटी का एकलव्य को भौंकने लगता है, वो उस पर तीर लगाता है, इतनी प्रिसीजन दे के वो देखते हैं कि कौन है जिन्होंने इतनी प्रिसीजन से किया है। बाद में पता लगता है एकलव्य है, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जाते हैं, कहते हैं कि तुमने ये किया कि हाँ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा में वो अंगूठा देता है, फिर वो कभी भी उस तरीके से बाण नहीं चला पाता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो अर्जुन को प्रॉमिस किया गया था कि तुम ही सबसे बेहतरीन रहोगे, उस चीज़ को क्या कहा गया, कहीं ना कहीं मतलब उनकी बात को रखा गया। अब यहां पर एक चीज जो मतलब सामने आती है कि सोशल ऑर्डर का बता रहा है, ठीक है, कि कोशिश की गई
ब्राह्मण्स के द्वारा, मतलब इस स्टोरी के थ्रू आप इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, कोशिश की गई कि ब्राह्मण जो हैं क्षत्रियास को हमेशा एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पर रखें ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे, या किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो ये आई होप आपको नॉन क्षत्रिय किंग्स, अब ये कह रहा है कि नॉन क्षत्रिय किंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है सर ऐसा हो सकता है कि ये वर्ण सिस्टम नॉन वेज वेज और डर्टी एक्शन को गुडनेस में बदलने के लिए बनाया गया था कि अच्छा तो नॉन वेज और वेज वाला कंसेप्ट तो फिर क्षत्रियस तो ऐसा नहीं है, वो तो दे हैव नॉन वेज बट दे आर एट अ लाइक सो कॉल्ड स्वर्ण कैटेगरी, ठीक है, अपर कास्ट, वाई इज इट सो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऐसा बनाया गया होगा वो अगेन ठीक है ना। चलो मैं आगे भी चलता हूं, आगे आपको और क्लियर होगा। नॉन क्षत्रिय किंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल कह रहे हैं मौर्यास, ठीक है, आज भी जो मौर्यास हैं वो लो कास्ट ट्रेडिशन के माने जाते हैं। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि क्षत्रियस एंड ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो उनको लोअर ओरिजिन मानते हैं, बट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट उसको अपर ओरिजिन का मानता है। क्यों? क्योंकि अशोक जो कि मौर्य एम्पायर का था, उसने बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया, ठीक है, उस बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया। ओके, द शुंग एंड कनवास जो इमीडिएट सक्सेसर्स थे मौर्यास के, वो ब्राह्मण्स थे, और इनफैक्ट जो अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि वो एग्जांपल दे रहा है कि जैसे शुंग और कनवा है वो ब्राह्मण्स हैं, वो रूलिंग क्लास हो गई, बट रूलिंग क्लास तो कहा गया कि क्षत्रियस होंगे, तो ये भी अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पर, ठीक है। सो इनफैक्ट द पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन, ठीक है, पॉलिटिकल पावर किसी के लिए भी ओपन है जिसके पास हिम्मत, ताकत, रिसोर्सेज है ना, वीर भोग्य वसुंधरा भी कहा गया कि जो वीर है वही जो है सत्ता पर बैठेगा, ठीक है। सो अदर रूलर्स सच एज शाक, अब ये शाक कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से, अब वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो तो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को नहीं मान रहे, तो जो आपके सिस्टम से बाहर है उसको क्या कहा गया, मलेच। आज भी कई बार ये वर्ड डेरोगेटरी टर्म में ये मलेच वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो मलेच वर्ड यूज किया गया बारबेरियंस और आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मण्स। बट बाद में चलकर हम देखते हैं कि इन्हीं शाक रूलर में से रुद्र दमन जो है सुदर्शन ले को रीबिल्ड कराता है, कहीं ना कहीं फिर ये कहा गया कि जो शाक रूलर्स यहां पर एस्टेब्लिश हुए धीरे धीरे उन्होंने भी कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। होता भी है कि जिस जगह पर आप रहने लगते हैं उस जगह के जो तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं इनहेरिटली वहां पर लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। यस, सो दिस सजेस्ट द पावरफुल मलेच विद वर फेमिलियर विद द संस्कृतिक ट्रेडिशंस। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी जैसे गौतमीपुत्र से सत्कारणी, अब ये ब्राह्मण भी है और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास ये भी लिखा गया, ठीक है, कि जो प्राइड है क्षत्रिय उसको डिस्ट्रॉय भी किया। He also claimed to have there was no intermarriage among the members of the four members, उसने इंश्योर किया कि इंटरमैरिज ना हो वर्ण आपस में, मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय, क्षत्रिय या वैश्य आपस में शादी या वैश्य और शूद्र, मतलब किसी भी तरीके से शादी ना हो। He entered into marriage alliance with the kin of the रुद्रदमन, ठीक है, तो रुद्रदमन कौन है, वो तो मलेच, ठीक है, या शाक रूलर है, बट उसके उससे शादी भी की। तो बेसिकली यहां पर एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो बिल्कुल टॉप हायरार्की है ना वो बहुत ज्यादा इसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, ये है कॉमन मासेस के लिए, कॉमन मासेस को मतलब एक आप किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सोशल ऑर्डर लाने के लिए है या कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को कि कहीं एक एनार्की या क्योस ना हो, ठीक है। ओके, एस यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में शादी जो है उसी मतलब एक ही वर्ण में शादी होगी, बट एंटर इन टू मैरिज अलायंस विद पीपल हु आर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, खुद इंश्योर कर रहे हैं कि जी जो गौतमीपुत्र श्री सत्कारणी के बारे में लिख रहा है कि वो इंश्योर कर रहा है कि वर्ण सिस्टम में ही शादी हो, बट वो कोशिश ये कर रहा है। एलेक्स कह रहे हैं पीडीएफ इसका डाल दो,
पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, ये पीडीएफ तो आपका एनसीईआरटी बुक्स ऑफिशियली ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक सर्च करो, एनसीईआरटी की वेबसाइट खुल जाएगी, 12th क्लास के एनसीईआरटी फर्स्ट थीम या फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट करो, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इतनी स्पून फीडिंग की आदत मत डालो, ठीक है। जो चीजें ऑनलाइन बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं उसको तो कम से कम नेट से ढूंढ के करो। मैं समझा रहा हूं आपको, यहीं से चीजें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो सत्वाहनास जो बाकियों के लिए रूल्स बना रहे हैं, खुद वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, ये यहां पर वो पॉइंट कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एज दे प्रैक्टिस एंडोगेमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमस, और एंडोगेमी भी प्रैक्टिस करी विद इन द क्लैन जो है शादी करी। ओके, जातीज और सोशल मोबिलिटीज, अब वो कह रहे हैं जातीज। अब इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत एक पेचीदा है, एक तरफ वर्ण सिस्टम है, एक तरफ जातियां हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ण तो चार हैं पर जातियां बहुत सारी हैं। अब ये समझ नहीं आया कि अरे जातियों का क्या कंसेप्ट है। अब वो कह रहे हैं कि जातियों का ब्रॉडली कंसेप्ट क्या है कि जो एक कॉमन प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक जाति का नाम दे दिया गया। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि जो गोल्ड स्मिथ है, अब गोल्ड स्मिथ किस कैटेगरी में आप उसको रखोगे, ठीक है, एग्जैक्टली वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो अब जो है यहां पर आपका श्रेणीज गिल्ड, ठीक है, जातीज का कंसेप्ट आना शुरू हुआ, ठीक है। तो श्रेणीज और गिल्ड का कंसेप्ट भी वहीं से आया, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो देर वॉज लाइक नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज। ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज को जब भी कोई ग्रुप मिलता था तो वो क्या करते थे, जैसे वो कह रहे हैं फॉरेस्ट में निषाद हैं, ठीक है, जो उनको एक सर्टन कह लीजिए ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है, गोल्ड स्मिथ है, तो ये जो कि फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में नहीं आते उनको एक जाति कह दिया गया कि ये एक जाति है, ठीक है, जिनका एक कॉमन प्रोफेशन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स जो कि इन ग्रुप्स की हिस्ट्रीज को देखता है, जैसे कि एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो मंडसौर मध्य प्रदेश में मिलती है, जिसमें कि गुजरात में सिल्क वीवर्स थे जो वहां से छोड़कर मध्य प्रदेश में सेटल हो जाते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ का राजा बहुत अच्छा है तो हम इसके राज में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी भी आपको देखने को मिलती है। फिर वो कह रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू गिल्ड्स और श्रेणीज, गिल्ड्स और श्रेणीज। अब ये गिल्ड और श्रेणी क्या है, ठीक है, अगेन गिल्ड और श्रेणी मैंने लास्ट सेशन में भी बताया, एक ही सोशल ग्रुप है, ठीक है, एक ही प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, जैसे क्लॉथ मर्चेंट हो गए, कपड़े के व्यापारी हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ठीक है, ब्लैक स्मिथ हो गए। तो ये एक एक ग्रुप बनने लगा धीरे धीरे। सर ये जातीज एंड ब्राह्मण्स ही डिस, हाँ देखो इवेंचुअली ऐसा ही हुआ, ठीक है, कंट्रोल किसके पास है ना, कि कौन है जो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, यस आयुष्मान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन। अच्छा, अब वो सिर्फ कॉमन प्रोफेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, कॉमन प्रोफेशन के साथ साथ क्या है, मान लो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो सारे जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएट कर रहे हैं, वो कॉमन मिलकर पैसे डाल रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को डाल रहे हैं ताकि उससे एक रोजगार उत्पन्न कर सकें, ताकि उससे अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है, उससे अपना एक जीवन यापन भी कर सकें और अपने लिए एक मतलब एक टेम्पल भी बनवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी है विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग टेम्पल्स भी अलग अलग जातियों के बनने लगे। अच्छा, यहां पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वणिक, ठीक है, ठीक है, वणिक जो है ये आपका टर्म है वणिक, वाणिज्य है ना, वाणिज्य मंत्रालय आज के समय पर हम कहते हैं, सो कॉमर्स एंड ट्रेड, तो यहीं से ये वणिक शब्द आया जो कि मेनली वेश्यास जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उसमें वो एक्सेप्शन फिर एक्सेप्शन कह रहा है। देखो कहता है उसमें आपको ये भी मिलता है, जैसे मृच कटिका है रिटन बाय शुद्रक, इसमें आपको जो हीरो है चारुदत्त वो ब्राह्मण भी है और सत्वाहा, सत्वाहा हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, सत्वाहा और मर्चेंट भी, मतलब पंडित भी है, ब्राह्मण भी है और मर्चेंट भी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 5th century इंस्क्रिप्शन कह रहा है कि दो भाई हैं, डोनेशन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल जिसका नाम है क्षत्रिय वणिक, ठीक है, क्षत्रिय और वणिक। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्लियर कैटेगराइजेशन है, बट बहुत कई बार आपको ओवरलैपिंग भी मिलती है,
ठीक है, ओवरलैपिंग भी मिलती है। बियॉन्ड द फोर वर्णास, हाँ जी, यस और नो, समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है? अभी हमने शुरू की थी महाभारत से कहानी, फिर हमने सोशल लाइफ को, वर्ण सिस्टम को, जाति सिस्टम को अभी तक पढ़ लिया है। क्लियर, आगे चलें। अभी आई होप ये सारी चीजें तो सोसाइटी में अभी भी हैं और आप थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, अब जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मान रहा तो उसको क्या कहा जा रहा है कि जी ये अनसिविलाइज्ड है, ऑड है या जानवरों जैसा है। ठीक है, और जनरली इसमें कौन आते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते हैं जो कि इस सिस्टम को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हायरार्की को नहीं मान रहे हैं। अब उनका ना मानने का कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि वो जंगलों में रह रहे हैं, वहां की लाइफ और जो एक प्लेन इलाके की एग्रीकल्चरल सोसाइटी की लाइफ है वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, दे आर नॉट, दे कैन नॉट लाइक फॉलो द रूल्स व्हाट इज बीइंग फॉलोड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया कि तुम जो है इस सिस्टम से बाहर हो। ठीक है, इन सम इंस्टेंसेस दिस फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेंड एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जैसे निषाद जिसमें एकलव्य आता था। ठीक है, हैव बिलोंग टू द एग्जांपल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर वो एग्जांपल दे रहा है जो नोमैड पेस्टोरलिस्ट हैं, पशुपालन है ना, जैसे हम नोमैडिक ट्राइब्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं गुज्जर्स, बकरवाल्स, है ना, तो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो भी इस वर्ण सिस्टम में कहीं फिट नहीं बैठते। कहां पर उनको फिट करोगे? तो ये भी यहां पर आप कह लीजिए उनको भी आउट जो है माना गया। हु कुड नॉट बी इजली अकोमोडेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, और जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस, जो मतलब संस्कृत नहीं बोल रहा, उसको भी ये कहा गया कि वो क्या है? मलेच्छ है। तो ये मलेच्छ वर्ड जो सेंट्रल एशिया से आए और जो ब्राह्मणिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ऑल दोज आर मलेच्छ। ठीक है, तो ये अगेन बड़ा डेरोगेटरी टर्म है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है उस तरीके से ही। टाइगर लाइक हस्बैंड, फिर वो एग्जांपल दे रहा है कि अब ये मलेच्छ, अब ये महाभारत में देखो सोसाइटी कैसे रन करेगी, सोसाइटी इस तरीके से कभी रन नहीं कर पाएगी कि एक को बिल्कुल आप आउटकास्ट कर दो। अब वो एक स्टोरी दे रहा है जैसे कि आदि परवान महाभारत की, जिसमें कि शादी होती है भीम की, है ना, भीम की जो शादी होती है हिडिंबा से, और फिर घटोत्कच का जन्म होता है। तो हिडिंबा जो है क्या कहा गया कि राक्षस। अब यहां पर राक्षस जो है वो ये कह रहा है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि राक्षस बेसिकली जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को नहीं फॉलो कर रहे, तो यहां पर वो फिर कुंती को कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। फिर जो है युधिष्ठिर मान जाता है एक कंडीशन पे कि दिन में रहेंगे। तो ये बेसिकली ये कहा क्या चीज शो कर रहा है, यहां पर हम वो कहानी से लेसन क्या ले रहे हैं? लेसन ये है कि एक तरफ जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं फॉलो कर रहे, कहीं ना कहीं उनका भी मेल दिखाया गया है। उनका मेल इसलिए भी दिखाया गया कि हाँ, सोसाइटी फंक्शन तभी करेगी जब सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करेगी। चलो, बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबॉर्डिनेशन एंड कंफ्लिक्ट। ठीक है, अब यहां पर फिर अनटचेबल्स, मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। दिस रेस्टेड ऑन अ नोशन सर्टेन एक्टिविटीज, फिर यहां पर प्योर पॉल्यूटिंग के जी हाँ, अगर जब भी ये आएंगे तो ढोल नगाड़े बजाएंगे। नंदकिशोर बार्बरिक ग्रैंडसन ऑफ बार्बरिक इज वर्शिप्ड गॉड्स एंड गर्ल्स, जी हाँ। ठीक है, तो अनटचेबल है इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू प्योरिटी एस्पेक्ट। अब यहां पर पॉल्यूटिंग वाला कंसेप्ट आने लगा, जिसको कि बाद में चलकर बहुत सारे सोशल थिंकर्स ने, रिफॉर्मर्स ने, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने क्रिटिसाइज किया कि पॉल्यूटिंग कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई भी तालाब है, उसका पानी खड़ा है, बदबू मारने लगता है, बट दिस इज लाइक अ ओवर इवॉल्विंग फिनोमिना। ठीक है, तो ये इसको इन्होंने दिया नाम, जो कि ये इस तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेशली कौन से टास्क हैं? जैसे कि डेड बॉडीज को देखना। ठीक है, डिजिग्नेटेड शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी रिगार्डेड पोल्यूटिंग दोज हु परफॉर्म सच टास्क लाइक हैंडलिंग कॉप्सिस एंड डेड एनिमल्स। ठीक है, मतलब मृतक व्यक्तियों के शरीर को
हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड एनिमल्स, उनको चंडाल्स कहा गया, ठीक है, और वो बॉटम ऑफ द हायरार्की में है एंड पॉल्यूटिंग, और जो भी इनसे बातचीत करेगा वो पॉल्यूट हो जाएगा। अब मनुस्मृति में ये भी कहा गया कि आपके बर्तन अलग होंगे, आप गांव से बाहर रहेंगे, आपके जो कपड़े होंगे वो जो भी डेड हैं उनके जो कपड़े होंगे वो आप पहनेंगे। अब यहाँ पर वो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आता है फाहिन से 5th century CE में, और उसके बाद हुआन जैंग आता है 7th century CE में, ठीक है। तो ये प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा, फाहिन 5th century, देखो फाहिन पहले आया, फाहिन आप मान के चलो कि गुप्ताज के समय पर आया, और जो हुआन जैंग है ये आया हर्षवर्धन के समय पर, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये कहा गया कि एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स टू फोर्स टू लिव आउटसाइड द सिटी, ठीक है, जो साफ सफाई करने वाले सिटी के बाहर रह रहे हैं और जब शहर में आ रहे हैं तो वो नगाड़ा बजा रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है कहीं ना कहीं इस समय की सोशल रियलिटीज को बताता है। अब अगेन इस प्रैक्टिस को बुद्धा, गौतम बुद्धा चैलेंज करते हैं, या कहें तो बुद्धिज्म चैलेंज करता है। अब वो बुद्धिज्म एग्जाम्पल दे रहा है, एक मतंग जाटक, एक पाली टेक्स्ट है। अब इसमें एक और भी है ऊपर, नहीं आगे है, ठीक है, ये देखिए बहुत ही सत्य चंडाल। अब ये बेसिकली कहानी है मतंग जाटक की, पाली टेक्स्ट। अब वो कहते हैं कि जो बुद्धा है अपने प्रीवियस बर्थ में वो चंडाल पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब गौतम बुद्धा को चंडाल शो किया गया, मतलब बिल्कुल लोअर कास्ट शो किया गया। अब वो कह रहे हैं कि वो एक कभी एक बार जाते हैं तो वहां पर एक महिला है दित मांगलिक, डॉटर ऑफ मर्चेंट, वो कहती है कि मैंने इसको देख लिया, तो बहुत लोग उनको पीटने लगते हैं, फिर वो लाइक उसके घर के बाहर जाके ले जाता है, फिर वो फाइनली उसके लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है तो उसको छोड़ा, फाइनली जो है वो त्याग देता है सब कुछ, फिर वो जो है फाइनली क्या करता है, मोक्ष को, स्पिरिचुअल पावर्स को अटेन करता है, और फिर उस लड़की से, जो ये लड़की थी उसी से शादी करता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर वो बेटा बहुत पढ़ लिख के, मतलब कह लीजिए वेदों का ज्ञान लेता है, ग्रो अप, बिगिन टू प्रोवाइड फूड टू 6000 ब्राह्मण्स एवरी डे। अब एक दिन जो मतांग, मतलब जो इस मांडव्य कुमार है, इसका ही पिता आता है इससे भिक्षा लेने, तो वो उसका तिरस्कार कर देता है कि तुम जो है दरिद्र हो और तुम, हम तुम्हें नहीं देंगे खाना, तो अब वो उसको श्राप दे देता है, ठीक है। फिर जब इसकी माँ को पता लगता है, मतलब इसकी वाइफ को पता लगता है, वो उसे माफी मांगती है, फिर वो कहता है कि जो मेरा बचा हुआ खाना है वो ब्राह्मण्स में बांट दो। अब ये स्टोरी बेसिकली क्या कह रहा है, ये चैलेंज कर रहा है सीधा सीधा, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन थी उसको चैलेंज कर रहा है, कि जो लोअर, मतलब क्या शो किया गया मटांग को, पहले गौतम बुद्धा का प्रीवियस बर्थ, और ये कहा गया कि वो लोअर कास्ट में थे, उनका बचा हुआ ब्राह्मण्स को दिया गया है। दैट इज हाउ, मतलब उस चीज को कह लीजिए आप क्रिटिसाइज किया गया या उसको काउंटर किया गया है, ठीक है। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है कि देखिए कोई भी व्यक्ति, उसका बुद्धा इज द 9th अवतार ऑफ विष्णु, चलो नंदकिशोर, इस पे भी हिस्टोरियंस का एक मत नहीं है, ठीक है, नंदकिशोर, इस पे भी हिस्टोरियंस का एक मत नहीं है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध। अब इसमें अगर आप देखोगे, जब गौतम बुद्ध आए, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं हम, फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एग्जैक्ट 100 साल बाद होती है, ठीक है, देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इवेंचुअली इस समय पर बुद्धिज्म अपनी पीक पे रहता है, और ये मौर्यस का समय है, लेटर मौर्यस के समय पर भी बुद्धा बुद्धिज्म फैल रहा है, कुषाण आते हैं, ठीक है, फिर भी आपका बुद्धिज्म है। अब इवेंचुअली गुप्तास के समय पर देन आपका दोबारा से ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, या हमने देखा कि लेटर मौर्यस के समय पर शुंग आ गए, तो जो कि ब्राह्मण्स हैं, तब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन दोबारा बढ़ने लगती है, ठीक है। जब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन दोबारा बढ़ने लगती है, और बुद्धा, अब बुद्धा को आए को 500 साल हो चुके हैं, वो एक्सेप्टेड हो चुके हैं, बहुत लोग उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब क्या किया गया, अब ये एक स्टोरी है, एक कहानी ये कहती है कि अब आपने क्या करना है। देखो बुद्धा या बुद्धिज्म जो चाइना, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, सब जगह फैला, इंडिया से खत्म हो गया,
इसके पीछे भी पूरे रीजन है कि उसको आपने क्या किया, हिंदुइज्म की फोल्ड में ले आए। अरे वो विष्णु जी के ही अवतार थे, ठीक है, और उनको आपने बुद्धिज्म के ही फोल्ड में लेके आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया नंद किशोर? मैं जो जो आपने कहानी पूछी मैंने उसका भी आंसर दिया आपको, समझ आया ये चीज? तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये आपका इट इज नॉट वेरी लाइक एक्सेप्टेड इन द लाइक द अमंग द हिस्टोरियंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है जो आप अवतार की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया नंद किशोर? सो इट वॉज बुद्धा को उसी फोल्ड में हिंदू, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धा तो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के ही अगेंस्ट में आए थे और आपने उन्हीं को उस फोल्ड में लेके आ गए। ठीक है, चलो क्लियर, ओके। अच्छा, अब प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की जो बात है वो ये कह रहा है कि भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके पास मतलब पावर है कहीं ना कहीं। तो ये कह रहा है विलेज हेडमैन, पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, फिशर फॉक, हंटर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, ठीक है, ये इनकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में कहीं ना कहीं। देखो, तो आपको ये समझना है कास्ट और क्लास है ना, एक हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम है और एक क्लास सिस्टम है। अब बहुत सालों तक ना इंडिया में जो कास्ट और क्लास, क्लास मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो बड़ा पैरेलली चला है। बहुत क्लियरली कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज रहे हैं, तो वो कास्ट और क्लास सिस्टम वेरी मच पैरेलल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा कि हाँ जी पुअर ब्राह्मण्स हैं, बट ये मैं मेजरली बोल रहा हूं, एग्जैक्टली यहां पर भी वही बात कह रहा है ये, ठीक है, ओके। अब ये बात कर रहा है महिलाओं की, कि महिलाओं के पास रिसोर्सेस थे या नहीं। बट ही वॉज अ क्षत्रिय फर्स्ट, हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि वो क्षत्रिय नहीं थे पहले, ठीक है, हाँ, तो उसी चीज को तो काउंटर किया गया, मैं उसी चीज को बात करना है। महावीर बुद्धा वर बॉर्न किंग्स एंड बिकेम एनलाइटेंड, एनलाइटेंड कैन नॉट बिकम पुअर, इट सीम्स कैन नॉट कम टू पुअर, Enlightened cannot come to poor, it seems. Enlightened cannot come to poor. मतलब मैं समझा नहीं इसका मतलब। चलो anyways, gender, देखो ये lecture जो है paid batches में, इस particular lecture को हमने 3 से 4 lecture में discuss किया है, ठीक है, अब ये concise हो गया, उसमें मैंने एक एक चीज, एक एक point को बहुत detail में discuss किया है, so we are not going into that much detail, ठीक है, हम इसको बिल्कुल NCERT के perspective से देख रहे हैं, but फिर भी मैंने आपका answer कर दिया है। ओके, सो जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है जैसे दुर्योधन की, कि दुर्योधन ने सब कुछ हार दिया, मतलब लाइक गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, फिर वो क्या है अपने सब ब्रदर्स को, फाइनली हिमसेल्फ, और उसके बाद अपनी वाइफ को भी, ठीक है, द्रौपदी को भी। अब वो एग्जाम्पल अगेन यहां पर शो कर रहा है कि हाँ, मतलब वो एक काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जिस चीज को अगेन क्रिटिसाइज किया गया, मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेज टू बी डिवाइडेड अमंग द सन्स ओनली। अच्छा, अब महिलाओं के पास 6 तरीके हैं, ठीक है, महिलाओं के पास 6 तरीके हैं जिनसे उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो उसकी बात कर रहा है। जो पुरुष हैं उनके पास 7 तरीके हैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के। 7 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हो गया इनहेरिटेंस, पिताजी से जो मिली है। दूसरा हो गया कुछ उसको मिल गया, ठीक है, तो वो भी उसकी लीगल एक तरीके से, मतलब वो उसको एक्सेस कर सकता है। परचेज, उसने कुछ खरीद लिया, ठीक है, उसने कुछ जीत लिया, उसने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसने काम करके पैसा कमाया। और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द गुड पीपल, गिफ्ट्स मिले हैं उसको अच्छे लोगों से। महिलाओं के पास 6 तरीके से प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला, स्त्री धन, जो कि उसको मिला है शादी में, शादी में जो भी उसको धन मिला है, ठीक है, ब्राइडल प्रोसेशन है। नेक्स्ट, उसके पास जो हो सकता है एज अ टोकन, व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, भाई से, मदर से, फादर से, ठीक है, माँ बाप या भाई से। उसके बाद जो दो और हैं उसको एनी कोई सब्सिक्वेंट गिफ्ट मिला है या फिर अपने अफेक्शनेट हस्बैंड के द्वारा दिया गया है। और इस स्त्री धन को कौन एक्सेस कर सकता है? लेडी, मतलब लेडी की डेथ के बाद, एक महिला की मृत्यु के बाद उसके बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, उसके पति का रोल नहीं है उसमें, ठीक है, उसके पति का उसमें रोल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब हमने ये देख लिया, वरना एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी,
ठीक है, वेल्दीएस्ट मैन। अब मैंने आपको क्या कहा, कास्ट और क्लास सिस्टम पैरेलली चल रहा है, क्योंकि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं उन्हीं के पास रिसोर्सेज हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं कुछ, बट वो कई कई जगह आपको मिलती हैं। एट अनदर लेवल, इवन एज अ ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी वाज कॉडिफाइड इन धर्म सूत्र धर्मशास्त्र, अदर ट्रेडिशन डेवलप्ड क्रिटिक्स ऑफ वन ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हमने बुद्धिज्म को देखा, ठीक है, जैसे कि नंदकिशोर को पूछ रहे हैं, तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म एग्जैक्टली इसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज करता है कि आप जन्म के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ क्लेम ऑन द स्टेटस ऑन द बर्थ बेसिस ऑफ बर्थ। अब वो एक इसमें ना स्टोरी देता है मध्यम निकाय की। ठीक है, लाइक एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका मध्यम निकाय, बहुत फेमस, जिसमें कि डायलॉग होता है अवंती पुत्र के बीच में और बुद्धा डिसाइपल, मतलब बुद्धा के शिष्य हैं, जिनका नाम है कंचन कह लीजिए। सर देयर इज अ ग्रेटेस्ट, थैंक यू मानशो। तो अवंती पुत्र और बुद्धा के जो डिसाइपल हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। अच्छा, अब एग्जैक्टली जो ये सोशल ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। अब वो अवंती पुत्र जो है कंचन से पूछता है कि वो ब्राह्मण्स के बारे में क्या सोचता है, और ब्राह्मण्स अपने आप को बेस्ट कास्ट और ये कह रहे हैं, ऑल अदर कास्ट आर लो, तो आपका इसमें क्या कहना है, और ये फेयर कास्ट हैं बाकी सारी डार्क कास्ट हैं, ब्राह्मण्स प्योर हैं बाकी नॉन प्योर हैं, ये सारी चीजें लिखी। फिर इस पर कंचन रिप्लाई करता है कि अगर, अच्छा ये बताओ कि अगर किसी शूद्र के पास पैसा है, वेल्दी है वो, तो क्या हो सकता है, क्या वो किसी और शूद्र को या क्षत्रिय को या ब्राह्मण को या वैश्य को स्पीक पोलाइटली टू हिम, क्या ये जो वर्ण है उससे पोलाइटली बात करेंगे क्योंकि उसके पास पैसा है। तो फिर अवंतीपुत्र कहता है कि हाँ, अगर किसी शूद्र के पास पैसा है, कॉर्न गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजें हैं, तो वो किसी और शूद्र को जो है अपने घर काम पे रख सकता है। ठीक है, और वो जो शूद्र होगा उसको उसकी बात माननी चाहिए, उससे पहले उठना चाहिए, रात में देर से सोना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, एवरीथिंग। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा ही है, फिर कहता फर्क क्या रहा, फिर तो सारे वर्ण सेम है। तो जब आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हर जगह इस सोशल हायरार्की को काउंटर करता है। ठीक है, सोशल हायरार्की को काउंटर करता है। आई होप नंदकिशोर आपको क्लियर हो रहा है ये चीजें। ठीक है, ओके। अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, देखिए आज भी आपको साउथ में ना एक चीज, एक फिनोमेना मिलेगा। साउथ में देखेंगे आप कि जो एक्टर्स है ना, मतलब जो बहुत फेमस एक्टर्स हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा चैरिटी में डोनेट करते हैं। ठीक है, तो वहां का एक कल्चर, मतलब एक डेवलप हुआ कि जिसके पास बहुत पैसा है ना वो बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। तो ये सारी चीज भी जो है आपको तमिल लिटरेचर में तब से मिल रही है। ठीक है, ओके। सो देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, सिचुएशंस वेयर मेन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड। जो जिसके पास पैसा है, पैसे के साथ साथ जो जेनरस भी है, जो पैसा गरीबों को बांट भी रहा है उसकी इज्जत है, जो सिर्फ अपने लिए पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है उसको, उसकी निंदा की गई है। ठीक है, उसकी निंदा की गई है अगर आप तमिल लिटरेचर में इसको पढ़ेंगे। सो वंस एरिया दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड वॉज एंशियंट तमिलकम। ठीक है, वेयर वी सॉ अर्लियर, जहां पर आपको 2000 साल पहले कई सारे चीफ मिलते हैं, चेरास चोलास पांड्यास हमने पढ़ा। सो अमंग अदर थिंग्स चीफ्स वर पैटर्न्स ऑफ द बार्ड एंड पोएट्स हु सेंग देयर प्रेज। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं की प्रेज की गई है जो इस धन को आम लोगों तक लेके जाते हैं, आम लोगों में बांटते हैं। ठीक है, सजेस्टिंग वेट देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, दोज़ हू कंट्रोल रिसोर्सेस वर एक्सपेक्टेड टू शेयर विद देम। इसीलिए अगर आप देखेंगे आज भी साउथ में जितने भी एस्टेब्लिश्ड हीरोज हैं उनकी अपनी अपनी चैरिटी, मतलब कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारी चैरिटी करते हैं। ठीक है, ओके। पुअर एंड जेनरस चीफ, अब ये पुअर जेनरस चीफ, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, कॉम्पोजिशन है फ्रॉम द पुनरुरु तमिल संगम लिटरेचर से, जिसमें लिखा गया है कि एक राजा है जिसके पास इतना भी धन नहीं है कि वो हर किसी को दे दे, और इतना भी कम नहीं है कि वो कहे कि जी मेरे पास किसी के लिए मदद नहीं कर सकता, मतलब एक कह लो अपर मिडिल क्लास आज के समय पर, आप इस तरीके से समझ लो इसको। तो ये व्यक्ति जो है इस चीज के बारे में इसकी तारीफ लिखी गई है, उसको लिखा गया कि हाँ जी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसके पास जा सकते हैं, वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, उसके पास पैसे हैं।
एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, साउथ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां पर वो चीज देखो, वहां की स्टोरीज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी काम जब वो करती है, या आप और मैं, या कोई भी किसी भी सोसाइटी में जो काम होता है, वो बड़ा ना इनहेरेंटली सोसाइटी ने उसको ना रिवॉर्ड किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमें लगता है कि मेरा ये सपना है, वो एक्चुअली आपका सपना नहीं होता है। बहुत मैक्सिमम टाइम वो कहीं ना कहीं री इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने आपको दी है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, एक सर्वे हुआ, सर्वे होता है कि जैसे कि लाइक बहुत सारे कंट्रीज में जिनमें कि जो टॉपर्स हैं स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, उनसे पूछा जाता है। तो अब अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहां पर जो लोग बच्चे हैं वो कह रहे हैं जी, मतलब पूछा गया जर्मनी में बच्चों से पूछा गया, तो वो कह रहे हैं जी हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें नोबेल प्राइज लाना है। तो उस चीज की वो एस्पिरेशन है, मतलब वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उसको रिवॉर्ड किया है कि मतलब जो भाई नोबेल प्राइज लाता है वो है, उसमें दम है। सिमिलरली ये चीज आपको यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगी या फिर साइंटिस्ट को मिलेगी, ठीक है, जो साइंटिस्ट है या एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उस चीज को रिवॉर्ड किया गया। तो वो इनहेरेंटली वहां पर आपको एक बिजनेस का कल्चर मिलेगा। गूगल, फेसबुक, मेटा, एप्पल, अमेजन, जितनी है अमेरिकन कंपनीज हैं, ठीक है। अब यही चीज इंडिया में, वहां पे ब्यूरोक्रेट बनना है सरकारी, तो सरकारी को रिवॉर्ड किया गया है। अब इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, विद इन इंडिया आपको गुजराती कल्चर में ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, ब्रॉडली, ये मैं एक बहुत ब्रॉड सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर रीइन्फोर्समेंट वो नहीं है, ठीक है। वहां के जब आप लाइक इलेक्शन मैनिफेस्टो देखेंगे, जब वो पेज आता है कि युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, तो पहली लाइन ये नहीं लिखी जाती कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी, उसमें लिखा जाता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो ये उस सोसाइटी की जो इनहेरेंट कह लो कि लॉजिक दिया गया है, एक इनहेरेंट रीइन्फोर्समेंट दी गई है उस सोसाइटी को, वही वहां का जो यूथ है वो चूज करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये थोड़ा समझ आ रहा है, इसका डेप्थ समझ आ रहा है। तो साउथ का जो ये कंसेप्ट है कि बहुत ज्यादा चैरिटी, जो सो कॉल्ड बहुत टॉप के लोग हैं, क्योंकि वहां की स्टोरीज में इस चीज को बार बार रीइन्फोर्स किया गया है। चलो आगे चलते हैं, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर भी यही चीज है। वहां पर कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर चीज को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उस चीज को बहुत ज्यादा रीइन्फोर्स किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको वहां वायलेंस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज किया गया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बुद्धिस्ट डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग। अगेन, अब यहां पर बुद्धा की बात कर रहा है, वो बुद्धिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, सुप्त पिटक की बात कर रहा है। सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडी फॉर्म्स, भाई इंसान पहले बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे, वो इतना ही उनको चाहिए होता था जितना कि उसकी बॉडीली नीड्स हैं, वो गया शिकार किया, खाना खाया, हो गया उसका। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जब उसके पास सरप्लस होने लगा, सॉरी, जब उसके पास सरप्लस होने लगा, तब उसने जो है कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में हायरार्की डेवलप होने लगी, ठीक है। सो व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इच्छा है ज्यादा से ज्यादा पाने की, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की, ज्यादा से ज्यादा अपने पास पैसे की, यही इच्छा ने जो है सारा का सारा, मतलब एक कंफ्लिक्ट की वो, इसीलिए बुद्धा क्या कहते हैं, अटैचमेंट, कि अटैचमेंट है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज के साथ अटैचमेंट है, और अगर आपको इस दुख से परे जाना है, देन दैट इज द अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, वो आगे करेंगे हम आगे, ठीक है। वो कह रहा है, व्हाट इफ वी वर टू सिलेक्ट अ सिलेक्ट बीइंग हु शुड बी द रैथफुल। अब ये जो कंसेप्ट है सोसाइटी का, राजा का कंसेप्ट है, ये आया कि जी एक व्यक्ति है जो प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी, उस जो प्रोटेक्शन करेगा उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, सब लोग मिलकर देंगे कुछ सर्विसेज, कुछ कोई खाना देगा, कुछ देगा, तो इस तरीके से ये राजा का कंसेप्ट आया।
अच्छा अदरक वाली चाय पी लो। नहीं नहीं अदरक वाली चाय नहीं, समथिंग ठीक है, मैं क्लास के बाद करूंगा उसको। वी विल गिव हिम इन रिटर्न प्रोपोर्शन ऑफ राइस, तो यहां पर उसको चावल मतलब जो भी है सब लोग मिलकर ग्रांट्स देंगे, ठीक है। महासम्मत द ग्रेट इलेक्ट ये कहा गया। क्या लेके आया है बंदा, क्या लेके जाएगा दो दिन के अंदर, चलिए बहुत सही। This suggests that institution of kingship was based on human choice with taxes as a form of payment for services rendered by the king. अब वो कह रहा है कि इसी से आपका जो किंगशिप का जो कंसेप्ट है, किंग होना चाहिए, ये यहीं से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस इन द महाभारत, फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की कि महाभारत में एक महाभारत आपकी जो संस्कृत में लिखी गई है और एक जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखी गई है, उसमें कई जगह आपको सिमिलैरिटी मिलती है और कई जगह कन्फ्लिक्ट मिलता है, ठीक है। तो उस चीज को कॉरोबरेट करना, उसको कलेक्ट करना एक अपने आप में टास्क है कि किसको सही माना जाए, ठीक है। तो ये एक कह लीजिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिस्टोरियंस के लिए क्या दिक्कत है, हिस्टोरियंस के लिए इस चीज को कंपाइल करना एक अपने आप में टास्क रहता है, ठीक है। बिसाइड्स इट ट्राई टू फिगर आउट अबाउट द, अब कहीं ना कहीं ऑथर किसने लिखा है, किस कह लीजिए कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, किस आइडिया के अकॉर्डिंगली लिखा है, इन सारी चीजों को भी हिस्टोरियंस ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पहले आप ग्रीन टी अदरक चाय इस थोड़ा फोकस कर लेते हैं, हम समझ आ रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ओके। सो देन ट्राई टू असर्टेन द पॉसिबल डेट एंड कंपोजिशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट, प्लेस, ठीक है, डेट टाइम प्लेस उन टेक्स्ट की पता लगेगी, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि किस कालखंड के बारे में ये बातचीत कर रहा है। लैंग्वेज एंड द कंटेंट, तो ये मैं ऑलरेडी आपको ये वाला कंसेप्ट बता चुका हूं। अच्छा, इसमें दो चीजें कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। वो कह रहा है जैसे महाभारत है, आ रहा है समझ, दो चीजें हैं कह रहा महाभारत में, ठीक है। एक है वो कह रहा है, एक को उसने क्या कहा, नरेटिव, जैसे स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग है। एक है डाइडेक्टिक। अब ये डाइडेक्टिक क्या होता है, डाइडेक्टिक को वो लिख रहे हैं कि जी ये है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के ऐसा आपको करना चाहिए, है ना। देखो एक होता है कहानी लिख रहा है, कहानी में एक कहानी इसी तरीके से पिरोई गई है कि आपको वो एक मैसेज दे रही है, ठीक है, सटल तरीके से मैसेज दे रही है, और एक इंस्ट्रक्शंस है, बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है। महाभारत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डाइडेक्टिक का क्या हो सकता है, हाँ जी, गीता, ठीक है, गीता का उपदेश। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, सो दैट इज डाइडेक्टिक, ठीक है, वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि पार्थ तुम्हें ये करना है नहीं करना है, जो भी मतलब तो चीजें जो लिखी गई हैं, सो दैट इज डाइडेक्टिक। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल दे रहा है, ये कह रहा है कि कोई वॉटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि जहां नरेटिव है वहां पर डाइडेक्टिक नहीं आ सकता या डाइडेक्टिक में कहानी नहीं आ सकती, ओवरलैपिंग होती है, बट क्लियरली आप महाभारत को पढ़ते वक्त समझ सकते हैं कि कौन सा नरेटिव पार्ट है और कौन सा डाइडेक्टिक पार्ट है, ठीक है, किसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किसमें स्टोरी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। गीता उपदेश क्लियर, जो आपको डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द व्हाट हैज बीन रिटन ओवर हियर, क्योंकि इसके बियॉन्ड में जा सकते हैं हम, ठीक है, फिर उसके लिए हम आप यू आर सपोज टू वॉच द पेड लेक्चर्स, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, फिर उसमें हमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो नंद किशोर बात कह रहे हैं ना हिस्ट्री की, तो जब हम सोशल मीडिया पे, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम बिट्स एंड पीसीस में उठा के पढ़ते हैं, तो वो जब तक आप उसको रिलेट नहीं करोगे ना किसी चीज को, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स नहीं देखोगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, रिलीजियस, तब आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जैसे आपने ये पॉइंट कहा, मैंने उसका आपको काउंटर दिया था, ठीक है, पूरा दिन लग जाएगा, हाँ पूरा दिन लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा है कि कृष्णा एडवाइजेस अर्जुन इन ऑन द बैटल फील्ड, दिस पेंटिंग डेट्स बैक टू 18th सेंचुरी। ओके, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहास। अब इस टेक्स्ट को इतिहास भी कहा गया। अब इतिहास जनरली हम किस चीज को कहते हैं, हिस्ट्री, है ना, इतिहास। पर वो कह रहा है इतिहास का लिटरल मतलब क्या है, इतिहास का लिटरल मतलब है दस इट वॉज,
मतलब जैसा था, फौज में बोलते हैं जैसे थे वैसे ही, जैसा था ठीक है वैसा, उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, इस चीज को लेकर भी बहुत सारे लोग आजकल चर्चा करते हैं कि जी जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो लेफ्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिलीबरेटली कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हिस्ट्री के डिलीट कर दिए, उसको हाइड कर दिया जो कि सही नहीं थे, उन्होंने सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं की हिस्ट्री की। फिर एक काइंड ऑफ जो कहा जाता है राइट विंग हिस्टोरियंस हैं वो उनको, उनके लिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि जैसे हिस्ट्री थी वैसे लोगों के सामने रखी जाए, ठीक है, उसमें कोई भी मतलब इफ एंड बट ना हो, बहुत साफ तरीके से रखा जाए ताकि लोगों को पता लग सके एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब जो लेफ्ट हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि इस तरीके से हिस्ट्री को लिखा गया ताकि एक समावेशी विकास हो, लोग साथ में आए, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में किसी भी तरीके से कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तो ये हमेशा से हिस्ट्री को लिखना पढ़ना समझना बहुत टफ टास्क है, ठीक है, अगर आप सही मायने में उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहास, सो दस इट वॉज। फिर वो ऑथर्स और डेट्स की बात कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज बाय चैरिटर बार्ड्स, मतलब जो रथी थे उनके द्वारा ये चीजें लिखी गई हैं, फिर उसको कंपाइल किया गया है। वो उन्होंने बताया ना कि युद्ध में क्या क्या हुआ, ठीक है, युद्ध में क्या क्या हुआ, ठीक है, तो ये पॉइंट्स। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ओरिजिनली ये ब्राह्मण्स ने नहीं लिखी, ओरिजिनली ये लोग आपस में जैसे बोल रहे हैं बातचीत के, ऐसा हुआ युद्ध में, ऐसा हुआ, फिर बाद में उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स ने अपनी चीजों को ऐड किया। अब ये कह रहा है कि जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे सो इतिहास, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो ऑफन एकम्पनीड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी स्टेट्स, जहां पर सोशल वैल्यूज ऑफन रिप्लेस बाय न्यू नॉर्म्स। अच्छा, ये एक स्ट्रगल हमेशा से रहा है, है ना? देखो प्रॉब्लम क्या रहता है, आज भी है, ये हमेशा से ये स्ट्रगल रहेगा। एक तरफ एक सेट ऑफ लोग होंगे वो कहेंगे हमारी रूट्स, हमारी कल्चरल रूट्स, एक कहेंगे कि नहीं जी मॉडर्निटी में जाना है। तो मॉडर्निटी में कितना जाना है, कितना कल्चरल रूट्स में रहना है, हम एक्चुअली में उसमें कहीं ना कहीं वेवर कर रहे हैं। कभी कभी हम मॉडर्न, अब फिर वो आप अभी कंसेप्ट आ गया कि जी लाइक हमें मॉडर्न भी होना है, नई स्किल्स को भी सीखना है, एट द सेम टाइम हमें अपनी कल्चरल रूट्स को भी नहीं छोड़ना है। बट कहां पर वो फाइन बैलेंस बनेगा, किस चीज को वो फाइन बैलेंस माना जाएगा, अगेन दैट इज द पॉइंट। तो ये चीज यहां पर आ रही है कि हमेशा से एक कंफ्लिक्ट रहा कि कौन सी एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, कौन सी एक्सेप्टेड नॉर्म्स नहीं है, फिर उसमें अपनी इंटरप्रिटेशंस डाली गई। अब जो सोसाइटी की आज एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो 100 साल पहले नहीं थी, 1000 साल 2000 साल पहले तो छोड़ दो, 50 साल पहले भी नहीं थी जो आज एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। जो आज से 50 साल बाद एक्सेप्टेड नॉर्म्स होंगी वो आज नहीं है, क्लियर? तो एग्जैक्टली वो यहां पर यही बात को कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ जी, जैसे कह रहे हैं कि शुरू में 10,000 वर्सेस थे, बाद में वो क्या हो गए 1,00,000 वर्सेस तक एड हो गए। ओके, सर्च फॉर कन्वर्जन, अब ये बाद में आप कह लीजिए जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951-52 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल एक्सकेविटेड अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर मेरठ में। अब ये हस्तिनापुर क्या वही हस्तिनापुर है, ठीक है, ओके, सो लाल फाउंड एविडेंस of 5 occupational levels of which 2nd and 3rd are interested to us। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि 5 occupational levels, फिर वो कह रहा है कि घर मिले, किस तरीके के घर मिले, ठीक है, ईंख जो होती है ना उसके घरों के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, कि लोगों के बारे में आपको पता लगता है कि लोग किस तरीके से वहां पर रहते थे। वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द एपिक एडिट द मेन नरेटिव हैज बीन कंपोज्ड। अब अर्बन सेंटर्स जो डेवलप हुए थे वो उसमें आपको उस समय पर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द एपिक एडिट आफ्टर द मेन नरेटिव, ठीक है, क्या मेन नरेटिव लिखा जा चुका था उसके बाद अर्बन सेंटर्स आए, क्या उससे पहले, ये कहानी हमेशा चलती रहेगी आपकी, कि जो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि 1000 साल में इसको लिखा गया, ठीक है। फिर जो है द्रौपदी मैरिज का कंसेप्ट लिखा है, द्रौपदी मैरिज का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जिसको पॉलीएंड्री कहा गया, ठीक है, तो द्रौपदी की बेटी, ठीक है, उन शादी होती है अर्जुन से, फिर वो उनकी माँ कहती है कुंती के आप
पांचों में जो है जो भी है पांचों में बांट लो, फिर फाइनली शादी होती है. पॉलीएंड्री, अच्छा पॉलीएंड्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है आज भी, ठीक है, कि मल्टीपल हस्बैंड्स. अब फिर वो कह रहा है कि ये एक चॉइस की जगह कई बार ऐसा देखा गया कि मजबूरी भी हो जाती है, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, ठीक है. कई बार इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये डेवलप्ड द लाइक इट वाज एट्रिब्यूटेड टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस आल्सो, ठीक है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरफेयर भी आपको ये देखने को मिलता है. वैसे जनरली वॉरफेयर की वजह से पॉलीगैमी सोसाइटी होती है. पॉलीगैमी क्यों? क्योंकि मेन जो है वो वॉर में है, उनकी डेथ हो गई, तो अब जो है मेन कम बचे हैं, वुमेन ज्यादा हैं, तो वहां पर पॉलीगैमी हो रही है ताकि सारी महिलाओं को जो रिसोर्सेज मिले, ठीक है. तो कहीं कहीं ना कहीं वहां से ये पॉलीगैमी का कंसेप्ट आया. बट वो कह रहा है कि कुछ क्राइसिस सिचुएशन में आपको पॉलीएंड्री भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है. तो यहीं पर वो ये बात कह रहा है. समरली सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री वॉज नॉट ओनली इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है. और ये जो है आपको महाभारत में इसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं. कहीं ना कहीं शायद ये कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इस चीज को इसलिए कहा गया कि ये एक्सेप्टेड फॉर्म हो सकता है इन सर्टन केसेस, ठीक है, जो कि सुनने में आज भी बहुत ज्यादा अटपटा लगता है. ओके, ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है कि ये सारी की सारी चीजें आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में, प्लेज, डांस, अदर काइंड ऑफ नरेशंस में, इन्हीं की फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं. मतलब महाभारत, रामायण की ही स्टोरीज जो हैं, बहुत सारे जो नृत्य हैं, नाटक हैं, उनमें आपको डेवलप होते हुए मिलते हैं, ठीक है. हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल है, एक इसमें एक और स्टोरी का जिक्र किया गया है. इस चीज को बहुत सारे लोगों ने बाद में चलकर जो आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंगली क्रिटिसाइज किया है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही एग्जैक्टली मैंने वही बताया नंद किशोर, ठीक है, वही बताया मैंने. तो यहां पर मोस्ट रीटेलिंग्स एंड रीएनेक्टमेंट्स ये जो बात कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि मां श्वेता देवी जो किताब लिखती है, बेसिकली कहानी है जिसमें एक षड्यंत्र रचा जाता है कि उनको पता लग जाता है कि इस हट में है और उनको वहीं पर जला दिया जाएगा. तो कुंती क्या करती है, बहुत सारे ब्राह्मण्स को बुलाती है खाने पे, और यहां पर निषाद और एक महिला और उसके पांच बच्चे भी आते हैं, पांच बेटे आते हैं. अब वो ऑलरेडी एक टनल खोद चुके हैं, ठीक है, उसमें आग लगती है, वो वहां से निकल लेते हैं और उस महिला की, निषाद महिला की और पांच बेटों की मृत्यु हो जाती है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कुंती और उनके पांच बच्चे थे, इनकी डेथ हो गई, मतलब पांडव मारे गए. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. फिर जब युद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जो कुंती रिफ्लेक्ट करती हैं, तो फिर वो कहानी, मतलब ये स्टोरी लिखी गई है कि आपने अपने आप को बचाने के लिए एक परिवार को पूरा का पूरा जो है उसमें झोंक दिया, उसको जलने के लिए छोड़ दिया. तो आपने उनको क्या कहते हैं, ड्रिंक्स पिलाया, ठीक है, इस तरीके के पेयजल दिए, जो नशे मतलब बेसिकली नशा दिया, वो सो गए वहां पर, उनको पता नहीं लगा और वो जलकर राख हो गए. तो इस चीज को भी शो किया गया कि सोसाइटी के बारे में बताया गया. चलिए, तो ये था आज का सेशन लक्ष्य ग्रह, ठीक है, जिसको नाम लक्ष्य ग्रह भी कहा गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है. चलिए, 500 BC में अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनी वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये अभी आपका, ठीक है. पाणिनी ने लिखी है संस्कृत ग्रामर, ठीक है, मेजर धर्म सूत्र, ठीक है, संस्कृत में 500 to 200 BCE, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक पाली, रामायण और महाभारत संस्कृत में, मनुस्मृति संस्कृत में, कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, चरक और शुश्रुत संहिता, वर्कड ऑन मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये आप कह सकते हैं कि अर्ली गुप्ताज या लेटर मौर्य पीरियड में आपको शुरू मिलता है. कंपाइलेशन ऑफ पुराण, ठीक है, संस्कृत में. सो नाट्य शास्त्र ऑफ भारत, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जो थिएटर प्लेज की आप बात कहते हैं, ठीक है, थिएटर प्लेस के बारे में बात करते हैं. थैंक यू शिवम. वर्क ऑन ड्रामेटर्जी, सो अदर धर्म शास्त्र इन संस्कृत, संस्कृत प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्क्स ऑफ कालिदास. वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, अब ये वाला पीरियड कौन सा है, ये इसको गोल्डन पीरियड कहा गया, गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन आर्ट लिटरेचर साइंस, जो गुप्ता एज था, ठीक है. इसीलिए यहां पर आपको ये सारी चीजें, आर्यभट्ट, ठीक है, ब्रह्मीर, कंपाइलेशन ऑफ जैन वर्क्स इन प्राकृत, ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं.
इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज, पर गुप्ता पीरियड को डार्क एज भी कहा गया, गोल्डन एज भी डार्क एज भी, ये कैसे हो गया भाई? डार्क एज बेसिकली के महिलाएं, ठीक है, शूद्र या जो वर्ण सिस्टम था वो रिजिड होता गया, महिलाओं को के राइट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, सोसाइटी बहुत ज्यादा रिजिड होने लगी, बहुत ज्यादा हरारिकल होने लगी, ठीक है, तो उस तरीके से इसको डार्क एज भी कहा जाता है, ठीक है जी। ओके चलो, अब नंद किशोर वाला भी मैं आंसर कर देता हूं, जो वो कह रहे हैं कि जो जलाने वाले थे वो खुद जल गए। अब आपको ये समझना है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, यूरोप में डार्क एज रिलीजन इंटरफेरेंस। अगेन देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हिस्ट्री के, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि हिस्ट्री के आपको बहुत सारे वर्जन्स मिल रहे हैं, सिमिलरली महाभारत के आपको बहुत सारे वर्जन्स हैं भारत में, ठीक है। तो वो जो महाश्वेता देवी हैं वो ये नहीं कह रही हैं, वो बुक लिख रही हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मतलब होता है ना जैसे बाद में बहुत सारी बुक्स लिखी गई कि कहीं ना कहीं अब सिर्फ निषाद कम्युनिटी से है एकलव्य, तो उसका अंगूठा काट दिया गया, उसको कहा गया कि आप अपना अंगूठा जो है दे दे, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उस चीज को रिफ्लेक्ट करने की बात कह रहा है, ठीक है नंद किशोर। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मेजर लैंडमार्क्स, ये है इन द स्टडी ऑफ महाभारत। यहाँ पर आज का आपका सेशन समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप जो यूरोप में डार्क एज है रिलीजन इंटरफेरेंस, इंडिया में भी उस चीज को कहा गया कि जो सिस्टम था, जो कह लीजिए रिजिड सिस्टम है, वो डेवलप होना शुरू हो गया, बट साइंस आर्ट लिटरेचर ये सारी डेवलप हुई, तो उस केस में हम उसको गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हिस्टोरियंस, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस को, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब उनको पता लगा कि गुप्ता एज में हमने इतना कुछ अचीव कर लिया था, तो उस चीज को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, बट इस वाले एस्पेक्ट को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। बाद में चलकर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा कि देखिए ये चीजें बहुत अच्छी थी, बट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि सोसाइटी में ये दिक्कतें भी थी, ठीक है, मतलब एक आइडियल सोसाइटी नहीं थी, कुछ बहुत अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें थी, ठीक है, तो आपको इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। ओके नहीं जी 6 बजे नहीं है, ठीक है 6 बजे नहीं है, हम 9 बजे सेशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर दैट। थैंक यू सो मच, और कल मिलेंगे, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, कल सुबह 10 बजे हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, चौथा लेक्चर पहले पार्ट का, पार्ट वन का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और इससे इस बार आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे भी गए थे, ठीक है, और फिर हम अगला जो पार्ट टू है उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे दोपहर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 15 साल के जो है YouTube चैनल पे डाल दिए हैं, वो आपका प्रीमियर चल रहा है ऑलरेडी, उसको जाकर देख लें, उसको अटेम्प्ट करें, लगभग 15 घंटे की वीडियो है, तो वो 15 घंटे की वीडियो 1.5x में, 1.25x में, वॉट एवर यू लाइक इट, उसको कर लें, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी इस बुक है बुद्धा एंडिज्म, इस बुक में अवतार नहीं होता है। अब उसमें भी एक पॉइंट है, काउंटर पॉइंट है, तो मैं इस पे फिर थोड़ा डिटेल हो जाएगा डिस्कशन। चलो आखिरी में एक पॉइंट उसमें और है कि जो मनुस्मृति के बारे में क्रिटिसिज्म होती है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो मनुस्मृति की क्रिटिसिज्म है, ये जो इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट थे उनके बारे में अभी भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो ये लिखा भी गया है ये अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है, और अंग्रेज जब भी कोई किसी की इंटरप्रिटेशन लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके अपने बाइसेस जरूर आते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स तो इस चीज को बहुत ज्यादा कहते थे, वाइट सुप्रीमेसी, कि हम ही वो हैं, बस हम हैं, तो उस चीज के कारण जो है आपको ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसा भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो भी सही तरीके से जायज नहीं है, अब ये भी एक व्यू पॉइंट है। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।